वेरी गुड इवनिंग गाइस, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा गाइस आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, जैसा आप जान रहे हैं, आजकल हम आपको लेक्चर वाइज प्रैक्टिस दे रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ दी जाए। तो वी आर हैविंग 13 क्वेश्चंस गाइस, आज हम 13 क्वेश्चन ले रहे हैं। तो चलिए, आज का क्रम कोशिश की जा रही है, जैसा कोशिश यही कर रहा हूँ कि एक प्रश्नावली के बहाने, प्रैक्टिस के बहाने आपका पूरा कॉन्सेप्ट साफ कर दिया जाए। एक बार देखेंगे तो हम देखेंगे बच्चे का विकास नहीं होता, हमको बताना है कि इनमें से कौन सा बच्चे के विकास किसको फॉलो नहीं करता। ऑप्शन ए निरंतर, तो हम जानते हैं दोस्त। ऑप्शन बी क्रमिक, ऑप्शन सी अविलोमी, ऑप्शन डी संयोग बस। अब आप देखिए गाइज, अगर हम ऑप्शंस पे निगाह डालें तो आप जानते हो हम पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ सीखते हैं, अर्थात विकास निरंतर होता रहता है, अर्थात यह हमारा उत्तर नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं होता। विकास क्रमिक होता है, कोई भी बच्चा पहले बाल्यावस्था में जाएगा तभी तो वृद्धावस्था में जाएगा, वृद्धावस्था से बाल्यावस्था में नहीं आएगा। अब विलोमी एकदम वही बात है, विकास उल्टा नहीं चल सकता, जो मैंने बोला वही इस पर भी लागू होता है, अर्थात ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। विकास संयोग बस नहीं होता दोस्त, अगर विकास संयोग बस होगा तो किसी के पास हाथ होगा, किसी के पास पैर नहीं होगा, किसी के पास सर होगा तो किसी के पास आँख नहीं होगी, इसलिए विकास नहीं होता, संयोग बस विकास एक पैटर्न को फॉलो करता। अगला, मानव विकास है गुणात्मक मात्रात्मक दोनों कोई नहीं। देखिए आप में से काफ़ी, देखो ज़्यादातर बुक्स में विकास गुणात्मक लिखा रहता है, पर मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक है। जैसे आप समझो ना, पहले विकास होगा, जैसे मान लो कोई चीज़ें हैं, चलो चलने की आदत का विकास कब होगा, पैदा होने के बाद होगा, और पैदा होने पर तुरंत तो चलने लगेगा, हाथ पैर थोड़ा बढ़ेंगे, वजन को संभालेंगे तभी तो, अर्थात विकास और वृद्धि एक दूसरे से रिलेटेड हैं, अर्थात विकास में गुणात्मक तो होता ही है, वृद्धि की वजह से मात्रात्मक भी होता है। मुझे पूरा यकीन है व्याख्या आपको पसंद आएगी, इसका उत्तर ए ना हो कि क्या होगा सी, क्योंकि विकास और वृद्धि इतने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें अलग करना मुश्किल है, इसलिए सही उत्तर क्या होगा दोनों। फिर सुनिए, गुणात्मक, क्योंकि विकास को देखा नहीं जा सकता इसलिए गुणात्मक है, पर मानव के मस्तिष्क के विकास का मापन भी हो सकता है, आप समझ रहे हो ना, इसलिए मात्रात्मक भी होता है, इसलिए इसका उत्तर सी होगा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। विकास किधर से किधर की ओर होता है, तो आप देखिए दोस्त, पहला है सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। अब एक बार अगर आप ऑप्शन पे निगाह डालते हो मेरे दोस्त, तो आपको क्या पता चलेगा कि जटिल से सरल कभी विकास नहीं हो सकता, यह उल्टा है, विशिष्ट से सामान्य भी उल्टा है, साधारण से आसान तो एक ही बात, इसलिए हमारा उत्तर है सरल से जटिल। चलिए आपको एक छोटा सा गेहूं के पौधे का उदाहरण देता हूं। आप देखो, छोटा से गेहूं के पौधे से जब एक अंकुर निकलता है उसमें कोई पत्ती नहीं होती, वह एक छड़ी की तरह सीधा स्ट्रेट स्प्राउट, सीधा शूटिंग कहते हैं हम इसे साइंस की लैंग्वेज में, स्प्राउट करता है या उगता है, तो हम क्या देखते हैं एकदम सीधा होता है, पर बाद में आप देखते हो उसमें पत्तियां निकलती हैं, फल लगते हैं या दाने लगते हैं, जस्ट कॉल इट। पर गाइज, शुरू में यह मात्र एक सीधी रेखा दिखता है जो कि सरल होता है, पर बाद में पूरा पौधा दिखता है जो कि क्या है, जटिल होता है, अर्थात मेरे बच्चों विकास क्या होता है, सरल से जटिल होता है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 4, विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। अब आप समझो यह काहे का सिद्धांत है, तो एक बार देखते हैं दोस्त क्या है, यहाँ पे आना चाहिए निरंतरता का सिद्धांत, विकास निरंतर होता है। सी अंतः संबंध का सिद्धांत, कहने का अर्थ क्या है, विकास के सभी पक्ष, सॉरी एकीकरण लेना था मुझे, एकीकरण, देखिएगा एकीकरण का द लॉ प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है विकास मानव शरीर के पूरे पक्ष को प्रभावित करता है। अभी सोचो कि आपकी आंख में विकास हो, बॉडी में और कहीं ना हो, ऐसा नहीं होता मेरे दोस्त, मानव का पूरा शरीर। अभी कहो मेरा हाथ निकल जाए, एक गिलास पानी ले आए, मैं आपको पढ़ाता रहूं, यार यह तो बड़ी मजाकिया बात है, हाथ अकेले थोड़ी जाएगा, अर्थात पूरा मानव बॉडी एक यूनिट, एक इकाई की तरह बिहेव करता है। मतलब जब मैं चलता हूं तो मेरा पूरा शरीर चलता है, ऐसा नहीं कि मेरा हाथ यहाँ रहेगा पैर वहां चलेगा। यह एकीकरण का सिद्धांत है, अंतर संबंध का सिद्धांत, बहुत ही मजेदार है। विकास के सभी पक्ष आपस में मेरे दोस्त क्या हैं, कनेक्टेड हैं, अर्थात जब एक पे डिस्टर्ब होता है तो अगला अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। उदाहरण के लिए
जब शारीरिक विकास मेरे दोस्त खराब होगा तो अपने आप ही मानसिक विकास क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और उसके बाद जब मानसिक विकास है भाई क्या होगा, आप शारीरिक रूप से कुपोषण के शिकार हो, हाथ पैर पहले कमजोर होंगे, फिर आपको क्या होगा, याददाश्त कमजोर होगी या मानसिक विकास प्रभावित होगा। और जब आप काम नहीं कर पाओगे क्षमता के अनुसार, आपको गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ाहट होगी, क्रोध आएगा, और ऐसे में आपका खराब होगा संवेगात्मक विकास। अर्थात विकास के सभी पक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, या क्या कहलाता है, अंतः संबंध का सिद्धांत। और गाइस इसका सही उत्तर है डी। क्या आप गारंटी से कह सकते हो कि दो जुड़वा बच्चे एक ही दिन चलेंगे? उत्तर है नहीं, कोई नहीं कह सकता दोस्त। कहने करते हैं समान होने के बावजूद दो लोगों में विकास की दर एक जैसी नहीं पाई जाती, यह वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। अर्थात दो बच्चों के विकास में थोड़े बहुत अंतर देखे जा सकते हैं। विकास में वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव है, बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, एवरग्रीन, जस्ट लेट मी कॉल इट इम्पॉर्टेंट। यह बहुत आता है दोस्त, इसका मतलब एक फंडा बन गया एक क्वेश्चन यहाँ से पूछने का, क्योंकि वंशानुक्रम वातावरण पे कोई बहुत नियम नहीं है। आगे ये देखिए चैप्टर विकास में आ रहा है, जब हम वंशानुक्रम वातावरण लेंगे तो हम ज़्यादा डीप करेंगे। देखिए गाइस होता क्या है, आप खुद समझो। अब सीधा मैं आपको एक ही बार एक ही उदाहरण बताता हूँ ताकि आप उत्तर गेस सके। देखिए यह जन्म से फिक्स है कि मानव शिशु चलेगा, यह वंशानुक्रम है भैया, अगर पैदा हुआ है तो आज नहीं कल तो उसको चलना ही चलना है। लेकिन दोस्त कितना जल्दी चलेगा, कितना देर से चलेगा, यह निर्भर करता है किस पे, वंशानुक्रम से मिले, सॉरी वातावरण से मिले पोषण से। जैसे आपने देखा होगा कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, आपने देखा होगा मिट्टी खाने की वजह से उनके चलने का टाइम कभी कभी 2-3 महीने लेट हो जाता है, क्योंकि बॉडी में कैल्शियम बनता नहीं है। पर कहीं तो आपने देखा होगा कुछ घरों में पोषण बहुत अच्छा होता है, जो निर्धारित अवधि चलने की होती है उससे भी 8-10 दिन पहले चलने लगता है बच्चा। इसलिए इसका सही उत्तर है एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि दोनों का कोई भी ध्यान रखना एक तरफा, ध्यान रखना। आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ, एक तरफा वंशानुक्रम उत्तर नहीं होगा, एक तरफा वातावरण नहीं होगा, बल्कि दोनों का मिला जुला परिणाम होगा। आप छठा आएगा, विकास किस अवस्था में बुद्धि का विकास सबसे अधिकतम होता है, उत्तर है, सुनिएगा इस, देखिए यहाँ दो बातें हैं। बाल्यावस्था में सबसे तेज होता है मानसिक विकास, आपको कुछ बातें बता दे रहा हूँ, ये आप इसको नोट्स में ले लीजिएगा। बाल्यावस्था में सबसे तेज होता है मानसिक विकास, पर मानसिक विकास में केवल बुद्धि ही नहीं आती, इसमें ग्रहण शक्ति का भी विकास होता है, समस्या समाधान का भी होता है, तर्क शक्ति का भी होता है। शैशवावस्था में सबसे तेज होता है शारीरिक विकास, जबकि किशोरावस्था में सबसे तेज होता है हमारी बुद्धि का विकास। इसलिए सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, किशोरावस्था इज द राइट आंसर। भाषा विकास की किस अवस्था में भाषा विकास की अवस्था में अति संवेदनशील अवस्था क्या मानी जाती है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी प्रारंभिक बचपन, ऑप्शन सी शैशवावस्था, जन्म से पूर्व का समय। अगर प्रारंभिक बचपन में लूँ तो चलो मैं इसको 3 से 6 बोलता हूँ, जो हरलॉक का डिवीजन है। और दूसरा शैशवावस्था, आप समझ रहे हो जन्म से पूर्व में भाषा का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमारी फाइट चल रही है ये और ये। तो गाइस किशोरावस्था तक भाषा बहुत विकसित हो चुकी, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है, आपको ऑप्शन रिजेक्ट करना सिखा रहा हूँ। प्रारंभिक बचपन गाइस, यह बहुत मायने, मैं आपको उदाहरण एक देता हूँ जिससे आप साफ साफ समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। बचपन में प्यार दुलार में आपने देखा होगा बच्चे तुतलाते हैं, पापा ये ले लो, मैं ये तलूंगा, मैं वो तलूंगा, सुनने में बड़ा मजा आता है, बच्चे की तोतली बोली हमको बहुत अच्छी लगती है। पर अगर आपने 3-4 वर्षों में इसका करेक्शन नहीं किया तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बाद में तुतलाना छोड़वाना बहुत ही मुश्किल टफ काम हो जाता है, ज़्यादातर केस में सफलता नहीं मिलती, जो मेरे आज तक के अनुभव रहे हैं, मैं भी इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा बहुत। तो गाइस सही उत्तर क्या है, प्रारंभिक बचपन। बच्चे को तुतलाना हकलाना अगर आपने बचपन में नहीं छुड़वाया तो वह उसकी कैसी आदत हो जाती है, परमानेंट। इसलिए अति संवेदनशील अवस्था है प्रारंभिक बचपन। हाँ, विकास एवं अधिगम का संबंध है, तो दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं हो सकता गाइज, दोनों में अधिगम हावी होता है, गलत बात है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है विकास और अधिगम। सही उत्तर है दोनों एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है, मतलब विकास और अधिगम में कितना संबंध है इसका अध्ययन कर पाना यार बहुत मुश्किल काम है, पर हाँ संबंध है जरूर। आप जानते हैं जैसे कक्षा 1 में हमारे पियाजे क्या कहते हैं, अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो आप क्या देख रहे हो दोस्त कि अधिगम और विकास में संबंध तो है,
पर इतना साफ नहीं है कि हम साफ साफ अध्ययन कर पाए, इसलिए इसका सही उत्तर है दोनों एक दूसरे से जटिल रूप से क्या है संबंधित है। ऑप्शन 9, मनुष्यों के बच्चे एक ही प्रारूप या प्रतिदर्श का अनुसरण करते। देखिए गाइस, ये क्या कह रहा है कि मनुष्य का हर बच्चा विकास के एक ही मॉडल से गुजरता है, यह सिद्धांत किस चीज का सिद्धांत है? तो अगर आप गाइस ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन है क्रमिक विकास का सिद्धांत, विकास का एक क्रम होता है, मतलब कोई भी बच्चा बाल्यावस्था से शैशवावस्था में नहीं जाएगा, मतलब विकास का क्रम निश्चित होता है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। अविलोमीयता, विकास उल्टा नहीं हो सकता, वही बात कोई नहीं। और लास्ट में क्या है, समान प्रतिदर्श। आप देख ही रहे हैं यहाँ प्रतिदर्श लिखा है, मतलब दुनिया का हर बच्चा विकास के एक ही प्रारूप एक ही मॉडल का अनुसरण करता है, इसलिए सही उत्तर है बी। क्या दुनिया में फर्क नहीं पड़ता बच्चा अमेरिका में पैदा हुआ है या इंडिया में, इंडोनेशिया में या जापान में, फर्क नहीं पड़ता, पर हर बच्चा रोएगा, मतलब कुछ चीजें हर बच्चों में समान होती है, इसलिए यह क्या कहलाता है, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत। बाल विकास को प्रभावित करते हैं बाह्य कारक निजी कारक दोनों। देखिए गाइस, अब गरीबी के कारण से बच्चे का विकास नहीं हुआ, अच्छे से अधिगम नहीं कर पाया, तो यह बाह्य कारक है। बच्चे का पढ़ने में मन ही नहीं लगता, तो यह अधिगम को प्रभावित करने वाला क्या है, निजी कारक है, रुचि निजी कारक है। इसलिए अब आप इस उदाहरण से साफ साफ समझ गए होंगे इसका उत्तर है सी या दोनों। अब गाइस हम क्या देखते हैं, शिक्षक को बाल विकास की समझ आवश्यक है, क्यों? पृष्ठभूमि के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक स्तर जानने के लिए, ऑप्शन सी अच्छे अंक देने के लिए, और ऑप्शन डी वास्तविक अपेक्षा के लिए। अगर आप ध्यान से देखो गाइस, पृष्ठभूमि के लिए मुझे नहीं लग रहा है शिक्षक को विकास, क्योंकि हम किसी बच्चे के बैकग्राउंड को रोज रोज नहीं पढ़ते, इसलिए हमारा उत्तर नहीं है। सामाजिक स्तर को जानने के लिए बाल विकास का अध्ययन नहीं होगा तो भी चलेगा, अच्छे अंक देने में के लिए कॉपी ही बहुत है, सही उत्तर है वास्तविक अपेक्षा। अब आप खुद समझो यार, अगर आपको बाल विकास की समझ नहीं होगी, क्या मंद बुद्धि बच्चा कभी भी कुशाग्र बुद्धि बच्चे जैसा परफॉर्म कर पाएगा? उत्तर है नहीं। अर्थात अगर बच्चे को के बाल विकास की समझ शिक्षक कहे तो जानेगा किस बच्चे से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए, मतलब मंद बुद्धि बच्चे से हम प्रतिभाशाली बच्चे की अपेक्षा नहीं रख सकते। सो डी इज द राइट आंसर दोस्त। क्वेश्चन 12, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास उल्टी दिशा में नहीं होता? असमान गति का सिद्धांत क्या कहता है, निरंतरता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, या फिर अविलोमीयता का सिद्धांत? चलिए एक बार सारे ऑप्शन देखते हैं। असमान गति का सिद्धांत क्या कहता है कि मनुष्य के विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। उदाहरण के लिए मैंने अभी भी आपको बताया, शारीरिक विकास बहुत तेज होता है किसमें, शैशवावस्था में, देखिए आप, पर यह थोड़ा धीमा पड़ता है बाल्यावस्था में, क्योंकि विकास खुद को परिपक्व करता है मेरे बच्चों। अर्थात यहाँ पे आएंगे, विकास की गति एक जैसी, मतलब शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत तेज है पर बाल्यावस्था में स्लो है, तो इससे सिद्ध क्या हुआ, स्लो है, तो इससे सिद्ध क्या हुआ, विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, कम ज़्यादा होती रहती है, यह क्या कहलाता है, असमान गति। प्लीज नोट्स बनाइएगा, इसलिए मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। निरंतरता का सिद्धांत, हम रोज कुछ न कुछ नया सीख रहे हैं, मतलब हमें कुछ न कुछ नई चीज रोज विकसित हो रही है। तीसरा, अंतर संबंध का सिद्धांत, अभी अभी आपको बताया। उत्तर है अविलोमीयता का सिद्धांत, विलोमीयता मीन्स होता है उल्टा, अ लगा दोगे तो अर्थ होगा नहीं, अर्थात विकास उल्टी दिशा में नहीं चलाया जा सकता। अब कहो कोई दाढ़ी मूछ का बुढ़ा बूढ़ा है, अब आप समझो 5 साल का बच्चा बन जाए तो यह सृष्टि में इसके प्रमाण कहीं भी मौजूद नहीं है। फिल्मों वेदों की बात नहीं करता, रियलिस्टिक साइंस की बात कर रहा हूँ। तो इसका उत्तर है अविलोमीयता का सिद्धांत, विकास के फलस्वरूप किस चीज में परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए नवीन आकृति का जन्म या आदत का जन्म, पुरानी आकृति बी आदत का जन्म का लोप, ऑप्शन सी अनुपात में परिवर्तन, ऑप्शन डी उपयोग सभी। तो इसका मैंने जानबूझ के क्वेश्चन केवल आपको समझाने के लिए रखा है, विकास के फलस्वरूप ये सभी परिवर्तन हो सकते हैं। नवीन आकृति आदत का जन्म, चलिए आपको सिद्ध कर देता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तभी दौड़ने नहीं लगता, पर बाद में यह एक नई आदत के रूप में जन्म लेता है और नई आकृति। अब आप सोचिए गाइस, गर्भस्थ शिशु का पहले सिर बनता है फिर धड़ बनता है, मतलब हर पैदा होने से पहले हर महीने कोई ना कोई नई आकृति उसके शरीर में जुड़ती रहती है। यह रहा ऑप्शन है, ऑप्शन बी पुरानी आकृति आदत का लोप। देखो, नई आकृति नई आदत का जन्म तो होता ही है,
पुरानी आकृति पुरानी आदत का लोप भी होता है। कैसे, एक बार बच्चे के पास स्थायी दांत आ जाते हैं तो पुराने दूध के सारे दांतों का क्या हो जाता है, लोप आ जाता है, या पुरानी आकृति का लोप हुआ। अब पुरानी आदत का लोप देखिए, एक बार बच्चा चलना दौड़ना शुरू कर देता है, रेंगने की आदत का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, फिर वो रेंगना क्या कर देता है, बंद कर देता है। और ऑप्शन सी, अनुपात में परिवर्तन, मतलब विकास में हमेशा अनुपात एक नहीं रहता। कैसे, अब आप देखो, अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके सिर का पार्ट सबसे हावी और सबसे भारी होता है, पर बाकी उम्र में अगर आप देखो तो सिर का भाग उसी अनुपात में नहीं बढ़ता। देखिए, आप उस शर्म के जन्म के समय ऐसा लगता है हमारा सर बहुत भारी है, पर बाकी उम्र में हाथ पैर जिस गति से बढ़ते हैं सर उसी गति से नहीं बढ़ता। अर्थात विकास से अनुपात में भी परिवर्तन होता है। गाइज, आशा करता हूँ कि दिस शुड हैव बीन अ वेरी गुड लेक्चर फॉर यू। और एक बार देखेंगे गाइज, ऑनलाइन क्लास के लिए आप ले सकते हैं इंक्वायरी व्हाट्सएप एंड आपको कॉल नंबर है 8299310097, यह नंबर है गाइज, तो आप ऑनलाइन क्लासेज के लिए इस पे कॉल कर सकते हैं। और प्लीज़ अपने फीडबैक देते रहिए, अब आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस देना जारी रखूँगा, ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए गाइज, विद दिस आई आर पी सिरा से गुड नाइट टू यू, थैंक यू गाइज।